हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे मैं श्रेयांस कोठारी लेके आया हूं दोस्तों चैप्टर नंबर आर्टिकल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी दोस्तों एक शानदार किताब और उसका कंप्लीट सोल्यूशन हम यहां पे इसी चैनल पे लेके आए दोस्तों आपके प्यारे चैनल पे लेके आए दोस्तों डिजिटल तैयारी पर दोस्तों आर्टिकल्स चैप्टर में ए और एन के बारे में बेसिक्स पढ़ने के बाद आगे बढ़ती है कहानी आगे बढ़ती है हमारी गाड़ी और हम सीधा लिए चलेंगे आज आपको बताएंगे द प्रिपो द जो आर्टिकल है हमारा उसको कैसे और कहां यूज लिया जाए सीधा लिए चलता हूं मैं आपको टी एच ई द पे ध्यान से देखेंगे दोस्तों द यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल सबसे बड़ी बात है दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं इसे वंस देयर अ क्रो एक कौआ था कौन सा था मुझे नहीं मालूम है द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी एकदम से क्या हुआ क्या वो कौआ सोने का बन गया पहली लाइन में बोला वंस देयर वॉज अ क्रो दूसरी ही लाइन में बोला द क्रो ऐसा क्यों दूसरी लाइन में जब द क्रो बोला तब हमें पता था कौन सा वाला कौवा था डेफिनेटली हम उसी की बात कर रहे थे इसलिए हमने लगाया द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी इसी बात को देखते हुए दोस्तों डेफिनेट वहां प्रयोग कहते हैं जहां आप निश्चित हैं जिसके बारे में आप जानते हैं वेन वी टॉक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग एज ऑलरेडी मेंशन मैंने कहा पहले मेंशन कर दी गई क्या होता है mention? Mention का मतलब होता है बताना पहले बताई गई हो बात उसके बारे में अगर कह रहे हैं तो हम द का प्रयोग करते हैं नोन अंडर डिस्कशन या तो वो अंडर डिस्कशन है अंडर डिस्कशन का मतलब है जो अभी जिसके बारे में चर्चा चल रही है उसके बारे में बात करते हैं द बुक विच यू मेंशनड बल इन द मार्केट वो वाली किताब जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो वाली किताब अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है स्पेसिफिकली हम उसी बुक की बात कर रहे हैं लेसन केयरफुल यानी हम कौन से जो लेसन पढ़ रहे हैं ना जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना वो ही वाले चैप्टर की बात हो रही है स्पेसिफिक जहा पे हो जाता है वहां हम द लगाते हैं जहां हम डेफिनेट है जहां हम पर्टिकुलर है वहां हम द लगाते हैं ये ध्यान रखेंगे चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों बिफोर प्रॉपर नाउंस आप ध्यान से देखेगा प्रॉपर नाउन से पहले भी द लगाना पड़ता है अगर कोई यूनिक ऑब्जेक्ट है तो क्या मतलब है यूनिक ऑब्जेक्ट वेन दे रेफर टू द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग सबसे पहला एग्जाम्पल कहा इसने हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं द ताजमहल से लेके द कुतुब मीनार तक जितनी हिस्टोरिकल्स बिल्डिंग हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं द लगाएंगे माउंटेन रेंजेस माउंटेन रेंजेस का मतलब होता है पर्वत श्रृंखला पर्वतमाला द हिमालयाज द अरावलीज अब इस बात पे विशेष ध्यान रखना दोस्तों आप अगर कोई सिंगल चोटी है सिंगल शिखर है जैसे माउंट एवरेस्ट माउंट आबू गुरु शिखर इन सबसे पहले द नहीं लगाएंगे कोई पर्वतमाला है पर्वत श्रृंखला है माउंटेन रेंज है वहां पे आप द लगाएंगे एग्जाम्पल दिया द हिमालया का मैंने प्लानिट्स दोस्तों प्लान कौन से होते हैं आपके द अर्थ द जूपिटर द सन ये सारे के सारे द सन तो चलो यूनिक ऑब्जेक्ट अलग ले लेंगे हम लेकिन द यूरानस जैसे कि द प्लूटो है द मरकरी है वैसे हमें द लगाना है रिवर्स की बात करें नदियां नदियां दोस्तों द द गंगा द यमुना इंग्लिश वाले लोग गंगा को भी द गैंग कहते हैं जी ए एन जी ई एस द गैंग कहीं पढ़ेंगे वो गंगा के लिए ही है ओशंस का मतलब होता है दोस्तों महासागर द इंडियन ओशन द पैसिफिक ओशन द अटलांटिक ओशन जो पांच हमारे महासागर हैं उनकी बात कर रहे हैं गल्फ यानी होती है खाड़ी जैसे गल्फ ऑफ कच्छ जैसे हम रन ऑफ कच्छ भी कहते हैं वहां भी आप क्या लगाते हैं द का प्रयोग करते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दोस्तों इसे हिंदी में कहते हैं द्वीप समूह जब द्वीपों का एक समूह है जैसे द इंडीज द अंडमंस द निकोबार्स यानी वो एक द्वीप समूह है वहां द लगाएंगे होली बुक्स दोस्तों पवित्र किताबें पवित्र ग्रंथ हैं द गुरु ग्रंथ साहिब द कुरान द वेदास द आगम्स यहाँ पे द लगाएंगे ऑरिजिनल्स दोस्तों दो चीजें होती हैं एक होता है ऑर्डिनल और एक होता है कार्डिनल दोनों के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लिया जाए दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि जितने सारे शब्द यहां लिखे हैं उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं कार्डिनल होते हैं दोस्तों वन टू थ्री थर्टीन कुछ भी और ऑर्डिनल होता है दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्टीन एक्सेट्रा मेरे कहने का मतलब समझिएगा अगर मैं संख्या की बात कर रहा हूं न्यूमैरल की बात कर रहा हूं नंबर की बात कर रहा हूं तो हम उसे कहते हैं कार्डिनल वन इज अ कार्डिनल सेवन इज अ कार्डिनल सारे कार्डिनल्स हैं ऑर्डिनल यानी उनका क्रमांक उनका रैंक जैसे हम कहते हैं ऑर्डर क्या है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड, थर्ड प्रथम आया वो फर्स्ट आया वो तो जो उसका ऑर्डिनल है वहां हम द लगाते हैं द सेकंड जनरेशन तो द लगाएंगे डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ कंट्रीज दोस्तों डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ कंट्रीज का मतलब होता है ऐसे में समझा दू आपको कि जब भी आप अः ऐसी कंट्री की बात करें जो एक सिंगल कंट्री नहीं है ग्रुप ऑफ कंट्रीज है ग्रुप ऑफ यू कह दें ग्रुप ऑफ स्टेट्स है वहां हम द लगाते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए अगर लिखेंगे ना तो भी द लगेगा द यूएसए इट इज जस्ट बिकॉज कि जब आप एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज ग्रुप ऑफ स्टेट्स जैसे मैं बताऊं आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ग्रुप ऑफ स्टेट्स है द यूनाइटेड किंगडम जिसे हम द यूके भी कह सकते हैं दैट इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज अगर आपको नहीं ध्यान हो तो बता दू इंग्लैंड इंग्लैंड के साउथ में है वेल्स और इंग्लैंड के नॉर्थ में है स्कॉटलैंड और स्कॉटलैंड के भी साथ में है हमारे पास नॉर्द आयरलैंड इन चारों कंट्रीज के ग्रुप समूह को द यूनाइटेड किंगडम कहते हैं तो जब एक कंट्री नहीं आती है ग्रुप ऑफ कंट्रीज ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं तब उससे पहले द लगाते हैं अब कई सारे विद्यार्थी सोचेंगे कि साहब भारत इंडिया भी तो ग्रुप ऑफ स्टेट्स है वहां क्यों नहीं हम द इंडिया लगाते हैं बहुत अच्छा सोचा आपने लेकिन इसका भी आंसर दे दू मैं आपको भारत पहले एक था बाद में इसके टुकड़े हुए बाकी सारे पहले अलग अलग थे उनको मिलकर यूनाइटेड किया गया और वैसे एक बात और बता दूं जब भी इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहेंगे क्योंकि वहां स्टेट्स की बात हो रही है तो द रिपब्लिक ऑफ इंडिया आएगा ये ध्यान रखें तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी न्यूज की अगर हम बात करें अंग्रेजी अखबारों की द टाइम्स ऑफ इंडिया द हिंदुस्तान टाइम्स ऐसे जो भी अंग्रेजी अखबार रहेंगे वहां द आएगा मैगजीन्स के आगे भी द रहेगा डेजर्ट्स दोस्तों द सहारा द थार ये जितने भी सारे द गोभी सुना होगा आपने चाइनीज डेजर्ट है तो ये सारे के सारे रेगिस्तान मरुस्थल के नाम जो हैं वहां द लगाना है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जब हम पढ़ते हैं द बेस्ट द फास्टेस्ट द स्लोएस्ट द टॉप मोस्ट ठीक है ना नेम ऑफ ट्रेन द राजधानी द शताब्दी होटल्स शॉप्स और ट्रेन इनके आगे हम लोग लगाते हैं एग्जाम्पल के रूप में देखें द पर्शियन गल्फ द इंडियन ओशन मैंने कहा था गंगा को गैंगस लिखते हैं द हिमालय द रामायण यानी होली बुक द द मून सन अर्थ ये सब क्या हो गए दोस्तों आपके यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं इसे द ताजमहल द बेस्ट यानी कि क्या हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया दोस्तों द फर्स्ट एक ऑर्डिनल हो गया डेजर्ट सहारा हो गया द बे ऑफ बंगाल जैसे गल्फ आया है खाड़ी के लिए एक और शब्द यूज लिया जाता है बे बे ऑफ बंगाल वहां पर हम द लगाते हैं इवन यहां मेंशन नहीं है कैनाल्स द कैनाल कैनाल के आगे भी द लगाते हैं हम लोग आप देखिए के द राजधानी एक्सप्रेस द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर द फ्रंटलाइन न्यूज पेपर द नॉर्थ पोल एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है द नीदरलैंड्स दोस्तों ये भी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कह दो ग्रुप ऑफ कंट्रीज कह दो द नीदरलैंड ये वही कंट्री है जो आज से कुछ पैसाल पहले होलैंड के नाम से आने जाती है आपने नाम सुना एक कंट्री थी होलैंड होलैंड का ही नया नाम है द नीदरलैंड ध्यान रखें दोस्तों द सुडान द यूएसए द द शराटन ये होटल का नाम है द रंजीत भी होटल का नाम है तो आपने देखा दोस्तों यहां पे द का प्रयोग करते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है मैं इसे मिटा देता हूं आप चाहें तो कॉपी में लिख लें पॉज करके या चाहे इसका स्क्रीन रख लें अपने पास और या फिर आपके पास किताब होगी तो उसमें देख लें पीडीएफ हमारी अवेलेबल है इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर आप देख लें मतलब ये इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण है इसे जरूर आप दिमाग में अच्छे से नोट कर लें नीचे एक नोट दे रखा है उसमें करेक्शन होगा द इज नॉट यूज बिफोर अरावली अरावली से पहले तो लेते हैं दोस्तों एवरेस्ट तो मैंने बताया अरावली एक्चुअली एक तरह की पर्वत श्रृंखला है द अरावलीज का प्रयोग किया जाएगा because they are not mountain ranges यहाँ सही लिखा है उन्होंने बट शायद कहीं मिस हो गया है अरावली के आगे तो द आता है तो यहां हमने देखा दोस्तों द का प्रयोग कहां करते हैं बहुत अच्छे से मैं समझा पाया हूं आप लोगों को इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखिए आज के वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर और आगे द के बारे में जानेंगे थैंक यू एंड टेक केयर प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी